बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स को 3 विषयों में बोनस अंक दिए जाएंगे और साथ ही 10वीं 12वीं के रिजल्ट में 3 नए नियम लागू कर दिए हैं। वो कौन से नियम है, बच्चों को क्या करना होगा, रिजल्ट जल्द से जल्द निकालने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की डेट क्या है, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप चाहे जिस भी राज्य के हों, चाहे जिस भी बोर्ड के परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो, आपकी जो कॉपी चेकिंग है और रिजल्ट का प्रोसेस है वो लगातार जारी है। इसके लिए 352 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे जिसमें जो कॉपियों की चेकिंग है वो बहुत ही ज्यादा कड़ी निगरानी के साथ हुई, कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही थी और बच्चों को 3 विषयों में बोनस अंक देने के लिए भी कहा गया था कि जिन जिन विषयों के पेपर लीक हुए हैं उनमें बच्चों को इस बार बोनस अंक देकर पास कर दिया जाएगा, वो छात्र प्रोन्नत कर दिए जाएंगे, ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों ने क्या किया, अपनी कॉपी पे पैसे लगा के छोड़ा है, तो क्या बच्चों को कॉपियों में पैसे रखने पर नंबर मिल जाते हैं, क्या ऐसा होता है, तो हमें कितने पैसे रखने चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, ऐसा क्या होता है, तो हम चलिए इन्हीं टीचर से लाइव जान लेते हैं। बच्चे की हमेशा यही मंशा रहती है, कुछ शिक्षक हमें कोऑपरेट करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा आपने कि ये टीचर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कॉपियों में पैसे लगाते हैं तो कॉपियों में पैसे के बेस पे आपको नंबर नहीं मिलते, लेकिन नंबर आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं उसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आप कॉपियों में आपने पूरा लिखा है, अच्छे से लिखा है, साफ सुथरा एकदम सुरक्षित ढंग से जैसे कि लिखे जाते हैं क्वेश्चन, तो क्या करता है, तब तो आपको नंबर देगा। और अगर आपने ऐसे ही फर्जी पैसे लगा दिए तो उसके आपके आपको नंबर नहीं देगा। देख सकते हैं आप कितना कैसी कॉपियां लिखी गई हैं, तो ऐसे में आपको नंबर मिलना तो बिल्कुल भी मुश्किल है, ठीक है। अगर आप ऐसी कॉपियों में पैसे लगाते हैं तो आपको नंबर मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। अगर आप बिल्कुल एकदम साफ सुथरा जैसे कि एक सुनिश्चित ढंग होता है प्रश्न लिखने का, उत्तर देने का, अगर आप वैसे लिखते हैं तब तो आपको पैसे लगाने पे नंबर मिलते हैं, नहीं तो आपके नंबर काट दिए जाते हैं और टीचर आपका पैसा भी रख लेता है, ठीक है। आपको उस पैसे के नंबर भी नहीं मिलते हैं और उस आपका पैसा भी चला जाता है। तो फालतू ये पैसे ऐसे ना लगाएं और पढ़ के मेहनत से अच्छे से नंबर